सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया है गाइस। मार चुका है कोर ब्रांड न्यू सोलो का वीडियो लेके। तो भाई, आप सबको पता है कि नया मोड आ चुका है, सारों का नया अपडेट आ चुका है। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि ये पिरामिड के ऊपर उतरते हैं। अब यहाँ पर अपने किसी को भी किल तो मिलते हैं नहीं, बट अपनों को मिलते हैं कोइंस। भाई मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज ये मैंने इतने ज़्यादा ग्लिच इन्होंने कर रखे हैं ना भाई, थोड़ी देर के लिए तो भाई देखो बंदे नहीं स्पॉट होते, बट जैसे ही बंदे स्पॉट होते हैं उनको मारते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ होता है। अब देख भाई, सामने वाले बंदे को मैंने भी उसको भाई हवा में लटका दिया, और तो और उसने ही मुझे हवा में लटका दिया। मैं काफ़ी देर के बाद यहाँ पर मर जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मेरी सारी की सारी हेल्थ खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर भाई मेरा कोई टीम मेट तो है नहीं, भाई सोलो में अपने सोलो ही होते हैं तो कोई टीम मेट तो होता है नहीं। तो अब अपना इस गेम का भाई पूरा मेन मोटिव ये था। देखो अभी कोई रॉयल पास वगैरह नया सीजन वगैरह तो है नहीं है कि जो कि अपने रैंक पुश करने वाले थे। मैं नॉर्मल भाई सोलो की प्रैक्टिस करने के लिए आया था, बट भाई लो भी बहुत ही बढ़िया लगी हुई थी। जल्दी से स्टाल पर चलते हैं। देखो भाई स्टाल पर आ चुके हैं, स्टाल पर के अंदर इन्होंने प्लाजा बना रखा है। भाई प्लाजा की देख देख में सामने बंदा एक और गाड़ी लेके आया था। तो अब ये गाड़ी वाले से अपने को फाइट लेनी पड़ेगी। भाई ये गाड़ी वाले को पता नहीं कि मैं इधर से भाई ऑलरेडी आके बैठ चुका हूँ, तो मेरे को लगा मैं इधर ही वेट करता हूँ। ये वाले बंदे को एकदम से भाई झटका सा देंगे और ये वाला बंदा मर जाएगा। अब उस बंदे का वेट करते गए। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने सामने वाला बंदे का वेट कर रहा था मैं कि ये वाला बंदा जैसे ही आएगा वैसे ही इसको पकड़ लूँगा। भाई एक बार के लिए तो ये वाला बंदा भाई इन्होंने प्रेशर वगैरह लगा रखे हैं जिससे बंदा बिल्कुल ही ऊपर चल जाता है। तब ये वाले बंदे की पेटी वगैरह लूटते हैं। देखो भाई इसको आती है एक के मिल जाती है। तब जल्दी से भाई देखो इधर लूट वगैरह कर लेते और इधर निकलते। और भाई आज आपको बताता हूँ कि आज की गेम मेरे इतने ज़्यादा ग्लिच इन्होंने कर रखे हैं। कभी कभी भाई नेट हाई हो जाता है भाई। देखो अब कभी कभी 100 का पिंग, 200 का पिंग। भाई अगर ऐसे कॉन्कर रैंक पुश वाली लॉबी में हुआ ना तो भाई बहुत ही बुरा सीन होने वाला है। तो कभी बहुत बहुत ज़्यादा ग्लिच है भाई, बहुत ही ज़्यादा ग्लिच है। बंदों के पैरों की बात नहीं समझ आती कभी कभी, तो भाई बिल्कुल ही बेकार भाई। जब तक ये एक और मेरे ख्याल से नया अपडेट देंगे उसके बाद ये सारा कुछ वापस से सही करेंगे, उसके बाद भाई थोड़ा सेट होएगा, उसके बाद ही भाई रैंक पुश करने का मज़ा है। नहीं तो ऐसे तो भाई कोई भी आएगा और मार के चल जाएगा। तो अपने जल्दी से इधर लूट वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर लूट मेरी हो जाती है, और तो यहाँ पर एक से दो अपने बोट भी मार देते हैं। अब जल्दी से भाई देखो इस गेम के ना भाई मैं मन से बता रहा हूँ भाई, इतने ज़्यादा ग्लिच है ना भाई, खेलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और तो और भाई लॉबी के अंदर कभी मैं सोलो का गेम लगाऊँ ना, 5 से 10 मिनट तक मेरे को वेट करना पड़ता था, उसके बाद जाके मेरा गेम स्टार्ट होता था। तो भाई इसीलिए मेरे पास कोई गेम प्ले भी नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी बंदा रैंक पुश नहीं कर रहा है इस वक्त। और तो मैं मेरी ऑडियो वगैरह भी बार बार चेंज कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऑडियो सेट बैठ जाए, बट भाई कुछ भी सेट नहीं हो रहा था अभी। साहब बहुत बहुत ही गंदा ग्लिच कर रखा है भाई इन्होंने। जब तक ये सही नहीं करेंगे ना तब तक खेलने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तो जल्दी से उधर से निकलते हैं। मैं भाई यहाँ पर स्क्वाड हाउस के अंदर मेरे को एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। अब ये वाले ना मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि रियल बंदा है, तो अब देखा ना ये वाले बंदे के ना मैं पैरों की रीड करने का ट्राई कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को लगा ये वाला बंदा ना बिल्कुल टॉप के ऊपर है, पर भाई ये वाला बंदा तो नहीं, ये वाला बोट बिल्कुल डाउन होता है। तो ये वाले बोट वगैरह को मार के अब जल्दी से ना इधर से निकलते हैं और जाके बंदे मारते हैं, और अपनों को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो वाली चीज़ों को भी आपको दिखाते हैं। तो भाई वहाँ से मैं बग्गी ले लेता हूँ। अब बग्गी लेके सामने मुझे एक बंदा दिखता है भाई, वो बंदा बग्गी के पीछे लेटा हुआ है। तो जैसे ही बग्गी चढ़ाने का ट्राई करता हूँ वाला बंदा गेट इन कर देता है, मैं मेरी गाड़ी रोक के उससे फाइट लेता हूँ। तो भाई देखो ये वाला बंदा तो भाई रैंडम फायर के अंदर ही आ गया, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये वाले बंदे को एंड के अंदर हेडशॉट लग जाएगा और ये वाला बंदा किल हो जाएगा। तो जल्दी से इसकी पेटी लूटते हैं और इधर से निकलते हैं। और तो भाई जो गेम के अंदर पुलिस स्टेशन इन्होंने बना रखा है उसकी भाई की भी अपनों को मिल जाती है, वो वाली चीज़ भी आपको खोल के दिखाएंगे कि उसके अंदर अपनों को क्या कुछ मिलने वाला है। तो भाई देखो अब सामने रिज के ऊपर एक बंदा आ जाता है। भाई वो वाला बंदा पहले ही बाइक से उतर जाता है, तो मैं मेरी गाड़ी राइट में ले लेता हूँ। मेरे को लगा ये वाले रिज पे रोक के उससे फाइट ले सकता हूँ। तो भाई एक दो राउंड मारने के बाद मैं इधर रुकता हूँ। भाई देखो मेरा 4x देखो भाई कैसा हो गया। जब स्टार्टिंग मैंने इस बंदे को एक के मारने का ट्राई किया था ना, मेरी एक केम का भाई मतलब रिकॉल तो मेरे से कंट्रोल हो रहा था, बट भाई उसकी सेंसी जो थी वो बिल्कुल भाई कभी राइट जा रही कभी लेफ्ट जा रही बंदे को लग ही नहीं रही थी। देखो अब मेरा 4x और 3x देखो M4 में कैसा सा हो गया। तो स्मोक करते हैं, इधर लूट करते हैं। अब राइट के अंदर एक M24 वाला बंदा है भाई, उसके साथ देखना इतनी गंदी फाइट होने वाली है ना।
मतलब भाई पता नहीं ये ग्लिच जब तक ये सही नहीं करेंगे ना तब तक भाई ऐसे तो मेरा रैंक पुश बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो जल्दी से गाड़ी उठाता हूँ और ये वाले बंदे से फाइट लेने के लिए आया था। स्टार्टिंग में वाला बंदा भाई पूरा कैंप करके बैठा होता है क्योंकि ये वाला बंदा सिर्फ दूर की फाइट लेना चाहता था, बट मेरे को इस बंदे की गाड़ी दिख जाती और लेफ्ट में ये वाला बंदा भी दिख जाता। तो जल्दी से कवर में गाड़ी रोकते हैं। हलाकेश ने मेरे टायर फोड़ दिए गाड़ी के, तो मुझे ये था कि ये वाला बंदा भाई क्लोज इन करेगा बट ये बंदा बिल्कुल भी क्लोज नहीं करता। तो भाई देखो एक टाइम का मैंने उस बंदे को कितना मारा बट भाई ज़्यादातर गोलियां मुझे ही लगी। बट भाई मैं यहाँ से भागता रहता क्योंकि मेरे को हील करना था। मेरे को लगा अगर बंदा आता तो भाई मैं भी फाइट लेने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैंने उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो जल्दी से हील करते हैं और उसके ऊपर पुश कर देते हैं। तो भाई जल्दी चलते हैं। अब ये वाला बंदा देखना भाई वापस से भाई गोल 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 घूमने का भाई ट्राई करता है बट ये वाला बंदा आगे वाले घर के अंदर है। स्टार्टिंग मुझे लगा भाई यहाँ पर इस बंदे की भाई प्रॉपर फाइट हो जाएगी। जैसे ही रोटेट करने के लिए आता हूँ ये वाला बंदा मेरे अपोजिट साइड में निकल जाता है। तभी वाला बंदा भाई सामने वाले शेक के पीछे है। मेरे को लगा एक ग्रेनेड करने का ट्राई करते हैं क्योंकि भाई एक क्या मैंने पूरी ग्लिच से भरी पड़ी थी और जो मैंने M4 थी वो तो छोड़ दी थी। तो यहाँ पर एक ग्रेनेड करके इसको मारने का ट्राई करता हूँ। ये देखो भाई मैं AKM को रोटेट कर रहा हूँ बट भाई वो रोटेट हो ही नहीं रही भाई। तो मैं भाई अंदर आके फिर से बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 HP, मेरे को ये डर था अगर उसकी एक गोली लगेगी ना यहाँ पर मैं ख़त्म हूँ। तो हील करने का ट्राई करता हूँ, बंदा मोली कर देता है तो वापस अंदर चल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं गेट तोड़ देता हूँ और वो वाले बंदे की वैसी लोकेशन मुझे आ जाती है और ये वाले बंदे को भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मारना पड़ता है क्योंकि भाई पूरा गेम ही ग्लिच हो रखा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई इतना घटिया अपडेट भाई कैसे दे सकते हैं ये, क्योंकि भाई मैं मेरा एक मिनट कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसको लेफ्ट कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ बट भाई वो चीज़ हो ही नहीं रही। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी एंड जोन में जाऊँगा, एंड जोन में आपको भाई पूरे गेम की हरकत दिखाऊँगा। इतनी घटिया गेम कर दी ना इन्होंने। तो भाई अब रैंक पुश कैसे करें भाई, जाओ तो अपडेट दे के कुछ ना कुछ सही करो। अब इसके अंदर से अपनों को टिकट मिल जाती है, अब वो टिकट उठा के डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चलते हैं और उधर जाके देखते हैं कि अपनों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब भाई यहाँ पर है ना टिकट मिली है, भाई मैं भी खुद फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को भी देखना था कि भाई टिकट से क्या कुछ बेनिफिट है और पुलिस स्टेशन में क्या कुछ अपने कुछ नया कर सकते हैं या लूट वगैरह के लिए नॉर्मल है। तो ये वाला गेट खोलते हैं, यहाँ पर टिकट मेरे पास थी। तो भाई देखो गेट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से खोला है इन्होंने, जैसे कोई तिजोरी होती है ना भाई पुलिस स्टेशन में, वो वाला सीन था पूरा। यहाँ पर पूरा Level 3 का वेस्टी मिल जाता है भाई, बढ़िया बढ़िया सामान यहाँ पर पड़ा था जो कि अपने ले लेते। बस यही था भाई पुलिस स्टेशन में भी, अगर आपके पास टिकट है तो आप अंदर जाके बढ़िया कैंप वगैरह भी कर सकते हो। तब जल्दी से जोन में चलते हैं, अपने पास थी AWM, कोयडा कोई पोजीशन होल्ड कर लेते हैं। तो भाई देखो एंड जोन में तो आया था, सामने वाला घर बिल्कुल मेरे को खाली दिखता है बट भाई एंड जोन में आने के बाद है ना मेरे भाई पता नहीं इतने ज़्यादा ग्लिचेस स्टार्ट हो जाते हैं ना कि मेरे को मेरा पिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट आ रहा था बट भाई मेरा जो बंदा था ना वो डिले फायर कर रहा था, डिले ही सारा कुछ था भाई। मेरे इतनी देर में सामने जो बंदा मेरे को शरल मारने लग जाता है तो मैं काफ़ी देर तक, तो जब तक उसकी रिलोड नहीं ख़त्म होता तब तक मैं गाड़ी के पीछे रहता हूँ और उसके बाद अंदर आ जाता हूँ। मैं को अब मेरे पास है AWM, क्यों ना मैं वो सामने वाले बंदे को मारने का ट्राई करूँ जो स्कैड है उसके अंदर बैठा था। तो सबसे पहले सामने देख लेते अगर कोई दिखता है तो, इधर एक बंदा आता है। तो भाई ये वाला शॉट तो मेरा मिस हो जाता है, जो राइट के अंदर बंदा था ना उसके साथ देखना भाई वो मुझे, मैं कवर के अंदर होता हूँ वो बंदा फिर भी मुझे मार रहा होता है। अब देखो नॉर्मल मैंने गेट खोला है, मैं यहाँ पर बंदा स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था। देखो भाई पूरा कवर में हूँ फिर भी, क्योंकि भाई ये वाला ना मेरा डिले हो चुका था क्योंकि मेरा पिंग वगैरह सब कुछ सही आ रहा था, ना ही सामने वाला बंदा हैकर था बट भाई यहाँ पर है ना मेरा डिले हो चुका था भाई। मैं फायर दे रहा हूँ भी, अगर सामने वाली बिल्डिंग में भी मेरी फाइट होएगी उसके अंदर भाई कोई मतलब नहीं हो रहा था। तो भाई वैसे ही सामने बंदा स्पॉट कर रहा होता है, इतनी देर में एक और गाड़ी मेरे ऊपर कर देती है पुश। तब ये वाला गाड़ी वाला ना मेरे सामने वाले शैक के अंदर बैठ जाता है। तो मैं एक तो एक क्या भी भाई पूरी की पूरी ग्लिच हो रखी थी, जैसे उसके ऊपर पुश करने के लिए जाता हूँ भाई मेरे को दूर एक बंदा बैठा हुआ ये मुझे मार देता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई मैं ना तब तक सोलो का वीडियो नहीं डालूंगा जब तक नया सीज़न नहीं आएगा, जैसी न्यू सीज़न आएगा वैसी उसी दिन से मैं सोलो की वीडियो डालने लग जाऊंगा। तब तक भाई आप स्क्वाड का वीडियो डाल दूंगा मैं कल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रखे हैं।